बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइट सोनी पर आपको वेलकम करता हूँ। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज 14 अगस्त के हवाले से व्हाट्सएप की जो है ना डीपी आपने कैसे बनानी है, कैसे आपने ग्रेड करनी है, खुद से आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी भी है, बहुत ही आसान तरीका है, आप खुद भी बना सकते हैं। कैसे आपने बनाना है आपको तमाम तफसील आज की वीडियो में है। वीडियो में आगे जाने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर अपडेट बरवक्त आपको मौसूल हो सके। दोस्तों सबसे पहले आप ये डीपी चेक करें कि कैसी है डीपी, इसके बाद आपको मुकम्मल तफसील के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आपने ये बनानी है। ये तो दोस्तों अपना जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया है वो है फिल्मोरा। फिल्मोरा में ऑलरेडी मैंने जो है ना वो जो पाकिस्तानी फ्लैग हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि टाइम जो ना बच सके। इसमें अपनी मेरी एक अपनी पीएनजी पिक्चर है वो भी मैंने ऐड कर दी है। तो सबसे पहले पाकिस्तानी फ्लैग जो है जो कि बैकग्राउंड है वो मैंने यहाँ पर फर्स्ट लेयर में रखा है, ठीक है। इसको हम अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो अपग्रेड कर सकते हैं, आप जो है इसको ऐड कर सकते हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई में आप इजाफा कर सकते हैं। अभी अपनी पिक्चर जो है ना अपनी ऊपर वाली लेयर में रखूँगा। तो फर्स्ट लेयर में अपनी पिक्चर है, सेकंड में अपनी जो है ना जो पाकिस्तानी परचम है उसको मैंने ऐड किया। उस पर मैंने डबल क्लिक करके अभी इसकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप इस पर अपनी पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आप किसी भी जगह पर आप अपनी पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप सामने यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी जगह मुझे छूट लगेगी, जो अच्छी लगेगी वहाँ पर मैं इसको ऐड कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद जो है ना टेक्स्ट के ऊपर मैंने क्लिक करना है, ठीक है। टेक्स्ट को मैंने ऐड करना है क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर ये टाइटल है, टाइटल टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको इसी लेयर के ऊपर रखूँगा, ठीक है। इसी लेयर के ऊपर आपने रखना है, ठीक है। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल करने के बाद आप इसको अपनी मर्जी की जगह पर जहाँ भी आप ऐड करना चाहें वहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये योर टाइटल हेयर, ठीक है, इसके ऊपर अब डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। अब इसको मैंने चूंकि चेंज करना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और ऐड करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट की जगह पर यहाँ पर मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद जो है ना यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसकी आप जो है ना लेंथ को आप ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। यहाँ पर अगर आप जहाँ पर आपको सूट लगे, और बेस्ट यही है कि आप जो है ना कॉर्नर पर इसको ऐड करें। अब नीचे जो टेक्स्ट है इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, इसके ऊपर मैं अभी अपना नाम लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख सकता हूँ क्योंकि व्हाट्सएप स्टेटस है, ठीक है। स्टेटस में आप अपना नाम होना ज़्यादा बेहतर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ये डबल टाइटल जो है ना ये चूज़ किया हुआ है। इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं, इसकी साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं। इसको मैंने ये बोल्ड कर दिया है। बोल्ड करने के बाद इसको मैंने इसका साइज़ जो है ना मैंने चेंज कर दिया। इसके कलर चेंज करने के लिए स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर कलर के ऊपर मैं सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप इसको जो है ऐड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी साइज़ जगह जो है चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ये सेट है, ठीक है। अभी कलर वाले ऑप्शन में मैंने क्लिक किया। अब कोई भी कलर आप जो है ऐड कर सकते हैं, कोई भी जो कलर आपको पसंद आए डार्क कलर यूज़ करें ताकि आपका नाम वाजे आ सके, ठीक है। नीचे ऑप्शन है, यहाँ पर इसको रोटेट कर सकते हैं आप, ठीक है। रोटेट करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका जो है ना वो जो नाम है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन जो है ना दिया हुआ है, आप इसको डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आप इसमें ऐड करना चाहें आप इसमें बआसानी ऐड कर सकते हैं। फिल्मोरा का यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि आप किसी भी वक्त कोई भी ऐड कोई भी नाम या टेक्स्ट जो है ना वो चेंज करके, डार्क करके, लाइट करके उसको आप बआसानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें जो जो है ना इसको मैं प्ले करता हूँ, तो प्ले करने से पहले यहाँ पर अब जो है ना मेन चीज़ जो है वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक आप कोई भी आप जो है ना पाकिस्तानी सॉन्ग कोई भी है आप उसको अपने जो है ना यूट्यूब से, गैलरी से, या फिर आप गूगल क्रोम से आप डाउनलोड कर लें। जैसे मैंने साहिर अली बग्गा का एक गाना जो है ना मेरी नगमा वो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो वो उसको मैं यहाँ पर नीचे टाइटल में उसको मैं लगाऊँगा, यहाँ पर नीचे ऐड करूँगा म्यूज़िक में। तो ये यहाँ पर मौजूद है, ये मैंने ऐड कर दिया जी। तो दोस्तों ये मैंने ऐड कर दी, यहाँ पर इसको मैं पिक करूँगा। पिक करने के बाद यहाँ पर मैं इसी सॉन्ग के नीचे ऐड करूँगा। अच्छा, इसकी लेंथ बढ़ाने के लिए आपके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर आप चाहते हैं कि स्टेटस की लेंथ बढ़ जाए तो आप इसको ड्रैग करके आगे तक अपने मर्ज़ी के टाइमिंग तक आप ले जा सकते हैं। ऊपर टाइमिंग आपको नज़र आ रही है, जितनी ज़्यादा टाइमिंग आप अपने इसमें ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उतनी ही लेंथ आप ऐड कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा आप इसमें जो है ना मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं, जितना आप मतलब सॉन्ग सुन चाहें, जितना आप
मिली नगमा सुनना चाहें, जितना आप ऐड करना चाहें, जितनी आप टेक्स्ट ऐड करना चाहें, ठीक है। अभी देख रहे हैं यहाँ पर ये प्ले हो रहा है, ठीक है, मैंने प्ले कर दिया है। अब यहाँ पर ये पाकिस्तान जिंदाबाद जो है ना स्लोली जो है ना ये ऊपर टाइटल पर आ रहा है। तो इसमें मैं ऐड जो है सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार चीज़ है वो है इन टाइम म्यूज़िक का ऐड करना। इन टाइम म्यूज़िक मतलब जो भी आपको जगह आपको पसंद है वो आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने इजाफी टच को मैंने कट कर दिया, अब मैं इसको प्ले करूँगा। जैसे ये मैंने प्ले किया, अब ये जो है ना सॉन्ग इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। इसको दोस्तों आप जो है ना एक्सपोर्ट करके आप सेव करके अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दें।